पूर्व मंत्री एवं अखिल भारतीय दलित समाज कल्याण परिषद के चेयरमैन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि हाथरस में दलित परिवार की बेटी के साथ घटी घटना देश के माथे पर कलंक है और इस तरह की घटनाओं को दलित समाज सहन नहीं करेगा। कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलित की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध पर उचित कार्रवाई करने में विफल साबित हुई और देश व प्रदेश के दलित समाज में यूपी सरकार की इस विफलता को लेकर आक्रोश भड़क उठा है। मंडी जिले के सुंदरनगर में एक निजी होटल में आयोजित एक बैठक में ऊना जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर व कई अन्य दलित नेता भी उपस्थित रहे। जीवन पर्यंत दलित समाज की समस्याओं को उठाते रहे इन नेताओं ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी घटना को लेकर चिंता व्यक्त की व भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया। पूर्व मंत्री व अखिल भारतीय दलित समाज कल्याण परिषद अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने चिंता जताई कि केंद्र और राज्य सरकार दलितों के हितों पर लगातार चोट कर रही है। दलितों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा दूसरे कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को सरकार की ओर से योजनाओं के द्वारा मिलने वाले लाभ में कटौती हुई है। केंद्र व राज्य सरकारें अधिकृत एजेंसियों को दरकिनार कर चोर दरवाजों से भर्तियां कर रही हैं, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के पदों पर कैंची चल रही है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग पर जल शक्ति बोर्ड समेत कई विभागों में चहेतों को नौकरी दी जा रही है और रोस्टर की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि भाजपा सरकार केंद्र व प्रदेश में कमजोर वर्गों के नेताओं को सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने को लेकर भी गंभीर नहीं है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल एवं निगम और बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष की ताजपोशी में इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसके चलते दलित समाज को दलित नेताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इन वर्गों में विकास की गति भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा 85वें संविधान संशोधन को लागू करने में भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते दलित वर्ग में भारी आक्रोश है। इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर में दलित अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों प्रदेश भर में हो रहे अत्याचारों व हिंसा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और दलित वर्ग का आह्वान किया कि वे ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एकजुट हो जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों के खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़ी जा सके। इस मौके पर संयोजक दलित पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग व अखिल भारतीय दलित समाज कल्याण परिषद मंडी जिलाध्यक्ष चमन रही, अध्यक्ष वाल्मीकि समाज सुधार स्मृति चंद्रवीर कांगरा, कोली सुधार सभा संयोजक खूबेराम चौहान, रविदास, कल्याण बोर्ड पूर्व निदेशक हेमराज आजाद, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड पूर्व निदेशक राजेश्वर पहवाल, नव दिशा विचार मंच अध्यक्ष ओम प्रकाश टांग समेत कई अन्य नेतागण उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के सामने आ रही समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाने को प्रयास तेज हो गए हैं। 1 नवंबर को मंडी जिला के सुंदरनगर में दलित कमजोर व अल्पसंख्यक वर्ग के नेता यहां एकत्रित होंगे व शोषित वर्ग के समस्याओं के निराकरण के लिए विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय दलित समाज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार के अलावा मंडी जिला के कमजोर वर्गों से संबंधित विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पंचायती राज प्रतिनिधि व स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी आमंत्रित किए गए हैं। इस सम्मेलन में दलित शोषित व अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित होने व भविष्य की रणनीति तैयार किए जाने की उम्मीद की जा रही है। आज यहाँ हमारे जो अखिल भारतीय दलित परिषद के जो हमारे जिला मंडी के अध्यक्ष हैं चमनलाल राय जी, वो आज यहाँ पर उन्होंने एक अपना प्रस्ताव दिया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में जब से आई है, तब से दलितों के ऊपर इतने अत्याचार बढ़ गए हैं और खास करके दलित लड़कियों के ऊपर इतने जो बलात्कार केसेस हो रहे हैं और उसके बाद उनका मर्डर हो रहे हैं,
वो बड़े ही चिंताजनक विषय है। पिछले दिनों हाथरस में जो 19 वर्षीय दलित लड़की का जो बलात्कार हुआ है, अमानवीय ढंग से बलात्कार हुआ, और उसके बाद सरकार को चाहिए था कि उस दलित परिवार को सुरक्षा देती और वो जो गुनाहगार थे उनको सख्त से सख्त सजा देती, लेकिन सरकार ने बजाय उनको पकड़ने से उस लड़की का बड़े ही जो कोई जो भी यहाँ के हमारे जो मानवीय ढंग से लोग समझते हैं या हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं उनको छोड़ के रात के अंधेरे में उसका जो संस्कार किया गया है कोई भी सभ्य समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो। तो इस करके आज हम भी, जो राही जी ने भी यही चिंता व्यक्त की है कि जो देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति आवाज़ उठाई जाए, तो हमने फैसला किया है कि चाहे राष्ट्रपति तक जाना पड़े उनसे समय लेके हम इस बात को इंसाफ को मांगेंगे और जो अत्याचार हो रहे हैं और खास करके यूपी की योगी सरकार को वहाँ बर्खास्त किया जाए, ये मांग करेंगे।